वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जहां भारत सहित दुनिया के कई देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और सभी देशों की सरकार इसको लेकर बेहद चिंतित और इससे निजात पाने की कोशिश कर रही है। भारत में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद संपूर्ण देश को लगभग सील कर दिया गया है। देश के सभी प्रांतों में अमूमन लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के ईंट भट्टा संचालक इसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ईंट भट्टा संचालकों पर कब कार्रवाई होगी। सुपौल के त्रिवेणीगंज के थाना क्षेत्र के बबगन ग्राम पंचायत के लालपट्टी गांव में NH 327 पीपरा त्रिवेणीगंज मार्ग के किनारे स्थित मीरा ब्रिक्स के संचालक ने सरकार के एडवाइजरी को तहस नहस करने और मनमानी करने की जिद पाल रखी है। यहाँ सैकड़ों मजदूर अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसकी चलन तस्वीर बड़ी मुश्किल से बनाने में कामयाबी मिली है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद ये पूंजीपति लोग नियम कानून की इस कदर धज्जियां क्यों और कैसे उड़ा रहे हैं और सरकारी मुलाजिम मौन क्यों बैठे हुए हैं। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक इस ईंट भट्टे के संचालक का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इस ईंट भट्टे के संचालक का त्रिवेणीगंज अनुमंडल के बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है। इनके लिए कोई कानून नहीं है और इन पर कोई कानून लागू भी नहीं होता है। बात जो भी हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि सभी नियम और कानून गरीब और असहायों के लिए ही बने हैं। पूंजीपति भले ही सरकार, कानून और सिस्टम को लाख ठेंगा दिखाते रहें, फिर भी ये लोग अधिकारी के नाक के बाल ही बने रहेंगे। सिटी पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।